सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि के रामनगर से अपने यूट्यूब चैनल अनन्या वर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मैं बैठी हूँ धूप में क्योंकि अनन्या गई है स्कूल और अभी खाना बनाने का टाइम भी नहीं हुआ है और अनन्या भी नहीं आई है तो मैं धूप में बैठी हूँ। तो ये देखो कितनी अच्छी धूप हो रही है और धूप में अच्छा भी लग रहा है आज। और दिनों तो धूप लग रही थी ना तो आज धूप नहीं लग रही है ज़्यादा तेज, अच्छा भी लग रहा है धूप में रह के। तो दोस्तों अभी आई थी बुआ ससुर जी को देखने तो अब जा रही है बुआ, तो मैं बुआ को भेजती हूँ। बुआ ने चाय भी नहीं पी क्योंकि बुआ का घर तो ये पी नहीं चाय बोल रही, मैं नहीं पी रही अभी, नाश्ता करके ही आई हूँ। और बुआ का घर वैसे पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बुआ तो रात दिन आते रहती है, अभी शाम को भी आ जाएगी। अब बुआ जा रही है तो मैं बुआ को जरा गेट तक भेज के आती हूँ। बैठो खाओ। बुआ खाती नहीं है, बस चाय भी शाम को पीती है, इस समय नहीं पीती है बुआ। जब शाम को आएगी तो चाय पी के जाएगी जरूर। चलो बाय बुआ, अपने घर को जा रहे हैं। तो अभी मैं आई हूँ कपड़े सुखाने छत पे और अनन्या के कपड़े तो मैंने सुबह सुबह धो लिए थे स्कूल के तो वो सूख भी गए। तो अब मैं जो नहाने के बाद वाले कपड़े थे तो उनको अब सुखा रही हूँ। तो हमारे घर की छत से पीछे का नज़ारा पूरा जंगली जंगल। तो हमको यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी दिखते हैं, कभी टाइगर लेपर्ड और हिरन वगैरह तो दिखते ही रहते हैं। आजकल थोड़ा हरा भरा ज़्यादा हो रहा है बरसात की वजह से, बरसात का मौसम तो चले गया लेकिन अभी पेड़ों में पत्तियां हैं तो अभी जब पतझड़ जैसा होता है तो उस टाइम पे जानवर दिखते हैं। तो ये है जंगल और कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो मैंने खाना बना लिया है और अभी अनन्या के आने में है 40 मिनट बाकी। तो मैं जाती हूँ पड़ोस में आंटी का और का पथरी का ऑपरेशन, तो मैं आंटी का स्वास्थ्य पूछ के आती हूँ कि अब कैसा है। तो जब तक अनन्या आती है तब तक मैं आ जाती हूँ। तो आंटी लोगों के घर पे हो रहा है पेंट क्योंकि उनके बेटे की शादी भी है तो पेंट भी हो रहा है। मैं आ गई हूँ आंटी लोगों के घर। तो आंटी गई है ड्रेसिंग कराने और अंकल जी हैं घर पे, तो पड़ोस में ही गई है तो आंटी आने वाली है अभी थोड़ी देर में, तब तक मैं बैठी हूँ। तो मैं आंटी से मिलके चली गई हूँ और आंटी की तबीयत भी अब थोड़ी ठीक है। आंटी को आज 15-20 दिन हो गए, मुझे आज पता चला। चलो अच्छा आंटी हाँ अपना ख्याल रखना। तो मैं आंटी लोगों के घर से आ गई और अनन्या की बहन भी आ गई। तो अनन्या आ गई है और अनन्या की थी आज हाउस ड्रेस। तो अभी बजे हैं शाम के 5:30 और अनन्या और डुग्गू खेल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं और रंजना इनको देख रहे हैं यहाँ से क्योंकि इनको देखना भी ज़रूरी है, नहीं तो इधर उधर चले जाते हैं ना, सड़क में गाड़ियाँ बहुत सारी आती हैं तो हम दोनों को एक को इधर से एक को उधर से खड़ा रहना पड़ता है इनके साथ। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे खेलो, चलो अब निकल ले क्या मैं कह रही ना। अरे दे देना तू उसके काम से कर ले। तो यहाँ बंदूक के लिए होने वाला है घमासान। अरे नहीं ऊपर ऊपर आ, लेकिन अनन्या तो छोड़ने वालों में से है नहीं। भारी वो है उसे कंधे में रख। तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं और हम दोनों को इनकी देखभाल ऐसे करनी पड़ती है, एक वहाँ खड़ा रहता है और एक यहाँ, तो ये दोनों बीच में खेलते हैं।
तो अभी ये दोनों आ गए और बच्चों के साथ इधर, हम दोनों इनको इधर को ले आए। तो ये है रीबा, ये आ गया वैभव और वो तन्नु। इन दोनों का अलग ही रहता है, कितनों के बीच में भी चले जाए फिर भी इन दोनों का अलग ही ड्रामा। आ गई दीदी, सिद्धि प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। और दीदी ने अपनी हेयर स्टाइल ही बदल दी। तो भी अनन्या खेल के आ गई और अब अपना होमवर्क कर रही है। ठीक है ना, करो फिर चेक करूंगी मैं। हेलो गाइस, मैंने पढ़ाई भी कर ली और मैंने डिनर भी कर लिया, अब मैं कर रही हूँ ड्राइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, कल के वीडियो में मिलते हैं।